गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? और आप सबको स्वागत है फिर से और एक बार मेरे चैनल आरएस ब्लॉग्स में। तो हम लोगों का चाय नाश्ता सब कुछ हो गया, दोपहर के लंच की तैयारी चल रही है और आज बनेगा मछली की सब्ज़ी। जो आप लोगों ने देखा, मैं मछली फ्राई कर रही हूँ और बीच बीच में इन लोगों को भी देख रही हूँ। ये दोनों एक साथ लगे हुए हैं, आज स्कूल का काम है, बुक्स वगैरह का कॉपी चढ़ाना है, तो दोनों पापा बेटा लगे हुए हैं बुक्स कॉपी लेके। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो क्लिप ले लिया, मैं खाना भी बना रही हूँ और आके इन लोगों को देख भी रही हूँ कि ये दोनों कैसे क्या कर रहे हैं। स्कूल का काम वैसे तो मैं ही करती हूँ, पर आज ये घर में है तो इन्होंने लगा दिया सारा कवर। और ये है देखिए, बालकनी में सारा कपड़ा सूख रहा है मेरा, जो कि मैं सुखाने के लिए डाली हूँ। और बाहर का व्यू देखिए, इतना गर्मी पड़ा है मुंबई में कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ा है, तो एकदम पूरा कड़क का धूप निकला है। नज़ारा दिखने में तो खूबसूरत लग रहा है, पर बाहर जाए तो फिर हालत ख़राब। ऐसी हालत है, इतनी गर्मी पड़ी है। अभी तो और भी गर्मी आना बाकी है, ये तो शुरुआत है, अभी तो और बाकी है शुरू होने में। तो वही बालकनी का व्यू तो अच्छा दिखता है, शाम का टाइम तो थोड़ा ठीक है, फिर भी हवा चलता है, पर दोपहर के बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और ये दोनों बस लगे हैं, दोनों ही क्या कर रहा है बता बता क्या कर रहे हैं? टमाटो। क्या टमाटो बता ना? टमाटो। कुछ ही बात नहीं करता कैमरे में, ये देखो व्हाट्सएप चला रहा है मेरा बेटा। ये सिर्फ गेम खेलता है, व्हाट्सएप में बातें करता है अपने दोस्तों लोगों के साथ। और जब मैं पूछती हूँ क्या कर रहा है बता, तो फिर नहीं बताता, पटाने लग जाता है मुझे टमाटो टमाटो करके। चालाक हो गया है ये भी, बड़ा हो गया खुजली कर रहा है अभी बोला बन के तो मछली फ्राई मेरा हो गया है, इसको उठा ले रही हूँ। और दूसरे गैस में मैंने चावल बिठाया है, जो कि अभी धीरे धीरे पक रहा है। और चावल मैं हांडी में ही पकाती हूँ, जो कि खाने में टेस्टी लगता है। कुकर का चावल खाने में इतना टेस्टी नहीं लगता है, ऐसे ही चावल बनाइए तो खाने में अच्छा लगता है। तो चावल भी लगभग मेरा बन ही गया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल आरएस ब्लॉग्स में। तो किचन में बन रही है मेरा खाना, और अभी रमजान का ब्लॉग चल रहा है तो सारा रमजान का ही ब्लॉग आएगा। खाने में आज क्या क्या बनाई मैं दिखाती हूँ। रोजा मैं अकेली हूँ, मेरा बेटा और हस्बैंड जी नहीं है, तो उन लोगों के लिए खाना बनाना है मुझे। बन रहा है खाना, और ये खाने में बन रहा है बैंगन फ्राई बन रहा है इधर, और इधर बन रही है आलू की सब्जी। और इसमें बना है आम और टमाटर की चटनी, और इधर बना है मछली की सब्जी। तो यही सब है आज का लंच का मेनू, और बस ये लोग अभी लंच करेंगे और इसके बाद का फिर इफ्तारी का क्या क्या तैयारी करती हूँ वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। ब्लॉग में बने रहिए। असर का नमाज मैंने अदा कर लिया है, और बाहर अभी भी बहुत तेज धूप है, तो अभी इफ्तारी की तैयारी करूंगी। और अभी का वीडियो मेरा थोड़ा मैं बुरी दिख रही हूँ वीडियो में, क्योंकि रोजे का टाइम चल रहा है तो शक्ल भी थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि रोजे में तो पूरा निर्जल होता है ना, जो हमारा फास्ट होता है, तो बिना पानी के, तो दिन भर के बाद शक्ल तो ऐसी होनी है। तो जैसी हूँ वैसी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उसी हालत में ही ब्लॉग भी बनाती हूँ। और बेटा ट्यूशन चला गया है और ये तो ड्यूटी चले गए हैं, तो आज मुझे अकेले ही इफ्तारी करनी पड़ेगी पहली बार। जब से रमजान शुरू हुआ है, ये तो ड्यूटी जाते हैं फिर भी बेटा साथ रहता है, पर आज से बेटा का ट्यूशन शुरू हो रहा है, तो आज मुझे अकेले ही इफ्तारी करनी पड़ेगी। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा अजीब तो लग रहा है क्योंकि रमजान के टाइम में सब साथ में इफ्तारी करते हैं तो अच्छा लगता है, पर क्या कर सकते हैं, बच्चों का पढ़ाई भी जरूरी है। तो चलिए फिर इफ्तारी में आज कुछ ज्यादा खास नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं अकेली इफ्तारी करूंगी तो क्या ही खास बनाऊंगी। आज बाहर का भी कुछ नहीं मंगाना है, तो क्या बनाऊंगी घर में ही थोड़ा मोटा सा, वही छोटा मोटा सा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इफ्तारी के लिए मैंने आज ये पकौड़ा बना ली हूँ, घर में काम करके बना ली हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ, और साहिल भी जब आएगा तब वो खाएगा। और ये चावल का आटे का चीला बना रही हूँ, जिसका घोल मैंने बना लिया है, बस और कुछ नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा चना बनाऊंगी और कुछ नहीं बनाऊंगी, और फल फ्रूट वगैरह तो रहता ही है, तो
तो बस जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, वक्त भी होने वाला है इफ्तारी का। तो आज बाहर का कुछ नहीं आ रहा है, घर में ही बना रही हूँ, चीला बना रही हूँ चावल के आटे का, और उधर बन रहा है मेरा पकोड़ा, प्याज का पकोड़ा। तो बस यही बना रही हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं आज बनाऊँगी। बेटा थोड़ी देर में आ जाएगा तो मैंने उसका भी साथ में निकल ही लिया सारा, एक साथ माँ बेटे का, वो आके खाएगा, मैं भी रोजा खोल के खाऊंगी और वो आके खा लेगा, इसलिए दोनों का साथ में ही निकाल लिया। और ज्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ, दिखाती हूँ क्या क्या बनाई हूँ मैं इफ्तारी में। ये मैंने सजा दिया है इफ्तारी, तो ये मैंने फ्रूट्स काटा है और काला चना बनाया है और समोसा एक था आज का नहीं, और ये चीला बनाया है और पकौड़ा बनाया है और रसगुल्ला है। बस आज ही है इफ्तारी का ये प्रिपरेशन, इधर है शरबत और पानी। अकेला ही करना पड़ रहा है, बेटा थोड़ी देर में आ जाएगा फिर वो आके खाएगा। तो चलिए फिर दुआ कर लेते हैं, फिर वक्त हो रहा है अजान का, मिलती हूँ फिर इफ्तारी के बाद। तो इफ्तारी का वक्त हो गया और मैं दुआ मांग रही हूँ, उसके बाद अजान पड़ेगा फिर रोज़ा खोलूँगी। और बेटा तो गया है ट्यूशन, तो आज मुझे पहली बार अकेले ही रोज़ा खोलना पड़ रहा है, पर दोनों का ही निकाल लिए हूँ, खाना साथ ही में वो आके खाएगा। फिलहाल मैं अकेली मुझे रोज़ा करना पड़ रहा है क्योंकि वक्त हो गया है। फिर रोज़ा के बाद मैंने मगरिब का नमाज अदा कर लिया, उसके थोड़ा टाइम बाद फिर बेटा भी ट्यूशन से आ गया है, तो अभी वो आके बहुत थक गया है, तो मैंने पूछ रहा तो जल्दी जल्दी भागा क्योंकि उसको बाथरूम जाना था जल्दी जल्दी, तो भाग गया। और उसके लिए खाना मैं निकाल के ही रखी हूँ, उधर रखा ही हुआ है दस्तरखान के ऊपर ही, तो फिर वो आया फिर खाने के लिए बैठ रहा है। अब साथ में फिर इस बार मैं उसके साथ थोड़ा थोड़ा खा लूँगी माँ बेटा साथ में। अभी रमज़ान चालू है तो इसलिए रमज़ान का ही ब्लॉग आ रहा है, छोटा सा वीडियो है, पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और भी अच्छा अच्छा वीडियो लाऊंगी, लाती रहूंगी, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।